नमस्कार, एनआरएस के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दृष्टिबाधिता के लिए सहायक उपकरण और शिक्षक की भूमिका के ऊपर। मैं मीनाक्षी इंगोले, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय। हम चर्चा करने से पहले हम यह जान लें, परिभाषित कर लें कि दृष्टिबाधिता होता क्या है। जब हम बात करें दृष्टिबाधिता के विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के संदर्भ में, तो ऐसे छात्र जिनकी ऐसे व्यक्ति विशेष की अक्षमता जो व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है, वह दृष्टि अक्षमता कहलाती है। दृष्टि अक्षमता को परिभाषित करने के लिए दो तरह की परिभाषाएं प्रचलित है, एक है विधिक परिभाषा और दूसरी है शैक्षिक परिभाषा। विधिक परिभाषा यह बताती है कि निःसशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत अंधे और कम दृष्टि वाले व्यक्ति को दृष्टि अक्षम की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के मुताबिक अंधता उस अवस्था में किसी से ग्रसित है जिसमें दृष्टि का अभाव जो है वो पूर्ण अभाव है। उसी के साथ दूसरा एक प्रकार होता है इसी में, जिसमें होता है सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता, मतलब कोई ऐसा आधार लेकर चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना। इसमें हम बहुत बार चश्मे ऐनक का उपयोग करते हैं जिसकी जो हमें प्रदान करती है तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 स्नेल से अधिक न हो। दृष्टि क्षेत्र की जो सीमा होती है जो 20 डिग्री कोण वाली है उसे अगर 72 हो तो छात्र में दृष्टिदोष पाया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पे आंशिक दृष्टिदोष भी होता है। अगर आंशिक दृष्टिदोष को अगर विधिक परिभाषा में अगर हमें परिभाषित करना होगा तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि का तीक्ष्णता दृष्टिहीन कहलाती है। जिनकी दृष्टि अधिक अक्षमता ग्रस्त हो और जिसमें वो ब्रेल के सिवा कोई और लिपि को पढ़ ही न सके, उसे कहते हैं आंशिक दृष्टि दोष। दूसरा प्रकार जो हमने देखा शैक्षिक परिभाषा। शैक्षिक परिभाषा जो होती है वो पठन अनुदेशन पर आधारित होती है। इससे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखने के बाद वह व्यक्ति को वो दिखाई देती है। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा की है कि दृष्टि में एक हानि है जो कि सुधार के साथ भी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मतलब छात्र का जो प्रदर्शन होता है, छात्र की जो उपलब्धि होती है वह बहुत उसे हानि पहुंचती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ कमियां होती है, उनकी दृष्टि में कुछ अक्षमताएँ होती हैं। इस शब्द में आंशिक दृष्टि और अध्यापन दोनों शामिल हैं। अब हम बात करेंगे अगर छात्र दृष्टिहीनता वाले छात्र अगर हमारे कक्षा में हैं तो वैसे छात्र को दृष्टिहीनता या उसे ओवरलैप करके वो किस तरह से अपनी चीज़ों को वो समझे और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाए, तो उसमें हम कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उसे कहते हैं तकनीकी, कोई सम्मिलित तकनीकी हमें उपयोग में लानी है जिसके आधार पर हम जो ये जो अक्षमता है दृष्टिहीनता की उसे हम थोड़ा कम कर सकें। तो ये जो तकनीकी है वह एक तो हमें एक उपकरण प्रदान करती है, उसी के साथ साथ हमें मुद्रित जानकारी तक पहुंचने के लिए सहायक होती है, उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक जानकारी तक पहुँचने के लिए हमें सहायक करती है, लेखन के माध्यम में हमें बहुत ज़्यादा उसका उपयोग होता है, और भी जो वैकल्पिक प्रारूपें हैं उस वैकल्पिक प्रारूपों का भी उपयोग हम कक्षा कक्ष में करने के लिए तकनीकी का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे कक्षा में कम दृष्टि वाले छात्र हैं तो उन्हें अगर हमें अपने कक्षा कक्ष में सम्मिलित करना हो तो उसके लिए कुछ सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा और उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर इस तरह से कम दृष्टि वाले छात्र हमारी कक्षा में हैं तो हम किस तरह से उन्हें
सहायक प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको समझने की जो क्षमता है उसे और बढ़ाए, उसमें जो उनकी त्रुटियां होती हैं या उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं वो विषय वस्तु को समझने में, उसे कम कराने में शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। इसी के संदर्भ में दृष्टि उपकरणों में मुद्रित जानकारी तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें हमें अपने प्रयोग में लानी होगी, जैसे कि गैर ऑप्टिकल उपकरण जहाँ पे ऑप्टिकल माध्यम का उपयोग नहीं होगा। प्रकाश किस तरह है? प्रकाश में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है निसर्ग द्वारा सूरज का प्रकाश और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश। जिस तरह अगर हम कक्षा में अगर हमारी कक्षा में बहुत बड़ी बड़ी बड़े मात्रा में खिड़कियां हैं या दरवाज़ा है जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से कक्षा में आ रहा है, तो उससे भी छात्र को पढ़ने में या देखने में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है। अगर छात्र कक्षा में हमें नैसर्गिक रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा, तो उसमें हम एक दूसरा एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसे कहते हैं कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करना, जिसमें हम फ्लोरेसेंट लाइट या हैलोजन लाइट या प्राकृतिक डेलाइट बल्ब का उपयोग कराकर हम छात्र को अधिक प्रकाश दे सकते हैं और उसके आधार पर छात्र बहुत सरलता से चीज़ों को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसी के साथ जब छात्र कुछ चीज़ें पढ़ रहा है तो वो किस तरह से पढ़ रहा है, उसका पुस्तक का जो स्टैंड है वो किस तरह से अवगत किया गया है, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पोर्टेबल चीज़ें उनको अवगत कराना, डेस्कटॉप किस तरह से है, अगर छात्र को कम दृष्टि है, अगर उसे दिखने में थोड़ी चुनौती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तब जब किताबें बनाई जा रही हैं तो उनकी प्रिंट जो है, अगर उसकी प्रिंट की जो आकार है वो अगर आकार बढ़ा दिया जाए तो कम दृष्टि वाले छात्र को बहुत उससे उपयोग होगा। उसी के साथ कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिसमें हम आवर्धकों का उपयोग करते हैं। कुछ आवर्धक होते हैं जिसे हम हाथ में लेकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हाथ में लिया हुआ आवर्धक है तो जिस तरह हमें जहाँ जहाँ पर हमें पढ़ना है, जहाँ जहाँ की चीज़ें हमें देखनी है, वह सरलता से हम उसका प्रयोग कर सकें। अगर हमें हाथ में नहीं लेना है तो उसके लिए दूसरा एक वैकल्प है जिसे कहते हैं स्टैंड मैग्नीफायर। तो स्टैंड मैग्नीफायर के सामने चित्र को रखकर या स्टैंड मैग्नीफायर के सामने पुस्तक को रखकर हम चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। उसी के साथ है स्पेक्टिकल माउंटेड, जो एक बना बनाया एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में उस रचना में हमें चीज़ों को रखकर हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके साथ ही हम दूरबीन का उपयोग भी कर सकते हैं। दूरबीन के माध्यम से हम बहुत दूर रखी हुई चीज़ें काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। जब हम दूरबीन के माध्यम से जब हम चीज़ें देखते हैं, उसी के साथ हम पुस्तक को भी हाथ में पकड़कर, अगर हमने पुस्तक को कोई स्टैंड मैग्नीफायर के ऊपर रखा या फिर हमने स्पेक्टिकल माउंटेड पे रखा और उसका अंतर और हमारा अंतर बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलावा हम पुस्तक को हाथ में पकड़कर भी हम पढ़ सकते हैं, जिसके कारण जो कम दृष्टि वाले छात्र हैं उसे ओवरकम कर सके। जब छात्र पढ़ना चाह रहे हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी दृष्टि बाधिता के कारण, तब उसके लिए दो और हमारे पास वैकल्प है। एक तो होता है, पहला हमारा होता है ब्रेल किताबें, जिसमें सारी चीज़ें ब्रेल के माध्यम से स्पर्श के द्वारा छात्र उसे पढ़ सकता है, और दूसरा होता है स्पर्श ग्राफिक। ब्रेल के माध्यम से चीज़ें एक पुस्तक के आधार पर भी हमें वो मिलती है और उसमें एक रचना की होती है अक्षरों की। उसी के साथ स्पर्श ग्राफिक एक नई तकनीक है, एक एडवांस तकनीकी है, जिसके आधार पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। उसी के साथ कम तकनीकी क्यूइंग उपकरणों के सहायता से भी कम दृष्टि वाले जो छात्र हैं, जिनकी
दृष्टि जो क्षमता है वो थोड़ी कम है, तो वह कम तकनीकी उपकरणों के आधार से भी वह पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला है मॉडल। मॉडल के आधार पर, मॉडल से वह चीज़ों को समझ पाते हैं। एक उनके सामने एक प्रतिकृति रखी जा सकती है या प्रारूप रखा जा सकता है, उस प्रारूप के आधार पर वो चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा होता है कि उन्हें कोई चीज़ें रिक्त स्थानों के रूप में दी जाती हैं और उन्हें उसे पूरा करना होता है। पहले चीज़ों को पूरी तरह से पूरा करके उनके सामने रखा जाता है और फिर उन्हें मौका दिया जाता है कि रिक्त स्थानों की वह पूरी पूर्ति करें। उसी के साथ कुछ चीज़ें अभी मार्केट में आई हैं, जिसे कहते हैं आवर्धन सॉफ्टवेयर। ये जो आवर्धन सॉफ्टवेयर हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जूम टेक्स्ट, दूसरा होता है मैजिक और तीसरा होता है ल्यूनार। इस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करके हम उसके सहायता से बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी रचना ही इस तरह से की होती है कि हमें अक्षरों की जो अक्षरों का जो फॉन्ट होता है वो बड़ा होकर हमें दिखाई दे। बहुत सारे नई तकनीकियों में केवल हम बड़े अक्षरों में, बड़ी मात्रा में ही अक्षर देख नहीं पाते, ताकि उन्हें सुन भी पाते हैं। उसे कहते हैं वीडियो आवर्धन। तो अभी फिलहाल मार्केट में ये भी नए आवर्धन आए हुए हैं, जिनके तीन प्रकार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है एडवांस विजन मर्लिन आवर्धन, वीडियो आवर्धन, दूसरा है फ्रीडन साइंटिफिक टोपाज और तीसरा है ऑप्टिलेक क्लियर व्यू। जो पहला है जिसमें एनहांस विजन मर्लिन वाला है, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक स्क्रीन है और स्क्रीन के नीचे एक स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर एक कीबोर्ड जैसी एक जगह बनाई गई है। उस कीबोर्ड के ऊपर हमें अपनी पुस्तक रखनी है या जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, वो चीज़ें हमें उस स्टैंड पर रखनी है। उस स्टैंड पर रखी हुई चीज़ों का सीधा प्रक्षेपण होगा हमारी स्क्रीन पर और हम उस चीज़ों को आसानी से, बड़े अच्छे सरलता से हम उसे पढ़ पाएंगे। उसी के साथ जो फ्रीडम साइंटिफिक टोपाज हैं, हम जब अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं या जब हम क्रॉसवर्ड के माध्यम से कोई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब वो जो क्रॉसवर्ड जो होते हैं वो भी इसी तकनीकी के आधार पर हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसमें भी एक कीबोर्ड की तरह एक सरफेस होता है, जिस पे हमें जो विषय वस्तु पढ़नी है उस पे रखी जा रख कर हम उसका सीधा डिस्प्ले हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है ऑप्टिलिक ओवरव्यू, इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें सुधार करके वो तकनीकी सामने रखी गई है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट में, मतलब विरोधाभास में कलरों का प्रयोग किया है, जिसके आधार पे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ पाए। वीडियो आवर्धनों में कुछ और भी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें होता है GW माइक्रो सेंस व्यू, ऑप्टिलेक कॉम्पैक्ट या एनहांस विजन मर्लिन, जो हाथ में पकड़कर हम कहीं पर भी उसे ले जा सकते हैं, कक्षा कक्ष में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर घर पे छात्र पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तभी वह छात्र उसे अपने साथ बैग में रखकर अपने घर पे ले जाकर भी उसका उपयोग पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ देखने के लिए कर सकता है। वीडियो आवर्धनों में आई हुई नई चीज़ें, नई जो और एडवांस चीज़ें आई है, उसमें पहला है ऑप्टन PCT और दूसरा है ABI-C जूम EX। ये जो ABI-C जूम EX है, एक स्टैंड की तरह है। उस स्टैंड के ऊपर एक कैमरा की तरह एक लेंस लगा के रखा है और स्टैंड का जो सरफेस है, उस स्टैंड के सरफेस पर हमें जो चीज़ें पढ़नी है हम उसे उस पर रखना है और उसका प्रक्षेपण सीधा कैमरा पे होकर हम चीज़ें पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है जिसमें ऑप्टन PCT है, उस ऑप्टन PCT में एक नाइट लैम्प के माध्यम के द्वारा हमें पुस्तक के ऊपर या जो विषय वस्तु हमें पढ़नी है उसके ऊपर प्रकाश डालना है और उसका प्रक्षेपण सीधा हमारे स्क्रीन पे होगा, जिससे हम चीज़ें बहुत सरलता से पढ़ पाएंगे। बहुत बार छात्र तकनीकी से अवगत नहीं होते
उन्हें बहुत तकनीकियों का उपयोग या प्रयोग कक्षा कक्ष में करने में दिक्कतें आती हैं, तो उस समय कम तकनीकी के उपकरणों के आधार पर हम अपनी जो चुनौती हैं उसे पार कर सकते हैं। जिसमें जो समाधान देते हैं वो है 20x20 पेन, बोल्ड रेखांकित कागज़, हस्त आवर्धन और हस्ताक्षर गाइड। ये जो 20x20 पेन है इसकी नीब कुछ अलग प्रकार की होती है, उसकी इंक भी जो होती है, उसकी जो स्याही भी होती है वो कुछ और प्रकार की होती है, हम लिखने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छात्र दृष्टिहीनता रखते हैं उन्हें जब लिखने में भी दिक्कत आती है तब हम 20x20 पेन के उपयोग के माध्यम से हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम लिख पाएंगे। उसके बाद है बोल्ड आवर्धी रेखांकित कागज़, जिसमें जो लाइनें दी गई हैं, जो रेखाएं दी गई हैं वो काफ़ी बोल्ड मात्रा में हैं, ताकि छात्र को पता चले कि हमें लिखना कहाँ है। वो उसी दो लाइन के या वो दो रेखाओं के बीच में लिखेगा और अपने या फिर अपने भावों को उसमें रखेगा। तीसरा है हस्त आवर्धन। जैसे कि हमने पहले देखा था हैंड मैग्नीफायर, तो ये जो हस्त आवर्धन है वो बहुत सरलता से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई दूर की चीज़ें हमें देखनी होगी तो हस्त आवर्धन हाथ में लेकर हम सिर्फ वो चीज़ों के सामने रखें तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से दिख पाएगी। उसके साथ होता है हस्ताक्षर गाइड। हस्ताक्षर गाइड बहुत बार हमें निर्देशित करता है, जब हम कोई चीज़ें देखते हैं हमें बताता है कि हमें दाई ओर से बाई ओर जाना है या बाई ओर से दाई ओर जाना है, कहाँ पर चित्र है या कहाँ पर कोई शब्द को बोल्ड करके रखा है, तो उसमें हस्ताक्षर गाइड बहुत ज़्यादा सहायक करता है। अब बहुत बार हमारी कक्षा में ऐसे भी छात्र होते हैं जो पूरी तरह से दृष्टिहीन होते हैं। अगर हमारी कक्षा में इस तरह के छात्र हैं तो वो छात्र को अगर हमें कोई चीज़ों से अवगत कराना हो तो किस तरह से हम कराएं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और सहायक प्रौद्योगिकी है, जिसके आधार पर हम छात्र की जो अक्षमता है उसे हम ओवरकम कर पाए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी बहुत जगह पर जिसका प्रयोग किया जाता है वो है स्क्रीन वाचन सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ विषय वस्तु हम एक सीडी के माध्यम में रख सकते हैं और वो सीडी जो है उसे हम चलाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे या हमारे लैपटॉप में, ताकि सुनकर हम चीज़ों को अवलोकित कर पाएँ, हम चीज़ों को समझ पाएँ। वो जो स्क्रीन वाचन सॉफ्टवेयर है उसके भी दो प्रकार है। एक है जॉब सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं जॉब एसेस विद स्पीच सॉफ्टवेयर, जिसमें चीज़ें हम बोल भी सकते हैं कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं कहूँगी कि मुझे पीछे वाले पन्ने पर जाकर पहला जो परिच्छेद था उसे मुझे पढ़ना है, तो वो उस तरह से वो आपका कमांड लेगा और पीछे वाली आपके पन्ने पर जाकर पहला परिच्छेद आपके लिए पढ़ा जाएगा या फिर आपको बोल्ड करके आपके सामने उसे रखा जाएगा। दूसरा प्रकार है विंडो आइज़, यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमें स्क्रीन पर वाचन करते समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये तो बात हुई हमारी वाचन की। उसी के साथ जो बच्चे पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं उन्हें लिखते समय कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो यह जो लिखते समय उपकरणों की आवश्यकता होती है यह उपकरण कौन से हैं हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसमें आपके स्क्रीन पर तीन उपकरणों के चित्र दिख रहे हैं। पहला है ब्रेल नोट, दूसरा है ब्रेल प्लस और तीसरा है पैकमेड। ये जो ब्रेल नोट है उसमें कुछ आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, हमें केवल उन बटन्स को दबाने हैं और उस तरह से हमारा जो हमें लिखना है, जो हमें भाव हमें जो बताना है वो ब्रेल के माध्यम से उस पर रेखांकित होगा और बाद में अध्यापक उसे पढ़ पाएंगे। उसी के साथ ब्रेल प्लस, ब्रेल प्लस में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या विकल्प दिए हैं, जिसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं, कोई चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं,
कोई चीज़ों को अगर हमें बड़ा करना है और बड़ा करके देखना है तो वो देख सकते हैं। और इसमें और एक उपयुक्त थी वस्तु है, वो है कि हम इसे सुन भी सकते हैं, और एक काफ़ी हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह है जिसे हम कहीं पर भी हम उसे ले जा सकते हैं। तीसरा है पैकमेट। पैकमेट ये जो है पैकमेट ये पूरी तरह से हमारे कीबोर्ड की तरह है, जहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ों को लिखना है तो लिखते समय ये पैकमेट हमें बहुत सहायक करेगा। जो भी चीज़ें हमें लिखनी है बस हमें बटन्स है उस बटन को दबाना है और उस तरह से हमारा जो कंटेंट है वो लिखा जाएगा। उसी के साथ है पुनर्निर्मित ब्रेल डिस्प्ले। ये जो पुनर्निर्मित ब्रेल डिस्प्ले है ये इसके पहले देखे हुए उपकरणों का हम कह सकते हैं कि थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिसमें पैकमेट ब्रेल डिस्प्ले है। जो पहला हमने देखा पैकमेट जिसमें केवल हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वह डिस्प्ले भी हो सकता है, हम उसको छूकर देख सकते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसको वापस हम लिखकर उस गलती को सुधार सकते हैं। दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं, दूसरा उपकरण हम देख रहे हैं ब्रिलियंट ब्रेल डिस्प्ले। यह जो ब्रिलियंट ब्रेल डिस्प्ले है इसमें सुनने की भी क्षमता होती है। जो चीज़ें हम उस पर टाइप कर रहे हैं उसका ध्वनि आपको सुनाई देगा और उससे पता चलेगा कि हमें हम जो चीज़ें हम टाइप कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में सही हैं। तीसरा है स्टैंड अलोन स्कैनर। स्टैंड अलोन स्कैनर बहुत बार चीज़ें हमें इतना समय नहीं होता कि हम उसे टाइप करें या हम उसे ब्रेल में पढ़ें, तो जो चीज़ें ब्रेल के अलावा भी उपलब्ध है हमें उसको केवल स्टैंड अलोन स्कैनर में रखना है और उसके आधार पर हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रकार है सारा, जो उसी का एक एडवांस वर्जन है, जहाँ पर हमें चीज़ें आगे पीछे करके, जैसे मुझे पिछले पन्ने पे जो चीज़ें लिखी है वो मुझे देखनी है फिर से एक बार, या मुझे अभी मैंने पढ़ लिया मुझे इसके संदर्भ में अगले पन्ने पे कोई पेज नंबर कोई होगा जिस पे हमें देखना है, तो हमें उस तरह से कमांड देकर हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये है जो है स्टैंड अलोन स्कैनर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ ब्रेल के निर्माणाधीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है, जिसे कहते हैं डेक्सट्यूबर सॉफ्टवेयर। उसमें एक है रोमियो जूलियट और टाइगर, जिसके जो ब्रेल लिपि का निर्माण भी करता है, और जिसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो हार्डवेयर के माध्यम में हम उसको टाइप भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम में हम उसको संग्रहित कर सकते हैं। दृष्टिहीन छात्र है, उस दृष्टिहीन छात्र को अगर हमें कक्षा में चीज़ों से अवगत कराना होगा तो उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि अगर यह सब चीज़ें, यह सब सहायक उपकरण उपलब्ध हैं, तो उस उपलब्ध सहायक उपकरणों के बारे में शिक्षक छात्र को बताना, उनको किस तरह से प्रयोग में लाया जाए, उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, उसके बारे में छात्र को उसके बारे में बताना और उसका सही आधार पर उसका उपयोग करा के लेना। जब छात्र कक्षा में प्रवेश करता है तभी उसी समय शिक्षक उसके पूरे शैक्षणिक कार्यक्रम की निर्मिति करता है। तो यह जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, छात्र किस तरह का है, वह कम दृष्टिहीन वाला है या पूरी तरह से छात्र दृष्टिहीन है, उसको आधार बनाकर उस तरह से उनको सहायक उपकरणों से अवगत कराना है और उस छात्र को उसका उपयोग करने के लिए शिक्षक को सहायता करना है। शिक्षक सीखने के लिए दृश्य विकारों जैसे ब्रेल लिपि है, कम दृष्टि वाले उपकरण हैं या सहायक प्रौद्योगिकी है या कंप्यूटर है, उसको साथ में लेकर पहले शिक्षक को खुद उसके ऊपर थोड़ा संशोधन करना होगा,
उसे देखना होगा कि छात्र बैठ का रहा है, उसकी जो उपकरण है उस उपकरण को छात्र से वो उपकरण कितनी दूरी पर है, इन सब की सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये जो सहायक उपकरण है वो छात्र तक पहुंचाने हैं। शिक्षक को छात्रों के अन्य दृश्य विकारों से संबंधित जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस तरह वो उसे निर्देशन दे सकते हैं, उनमें वो कौशल्य भी विकसित कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेल पढ़ने और लिखने के लिए सहायक उपकरण अगर हमें उसे अगर हमें हमने शिक्षकों ने उन्हें अवगत किया तो स्वतंत्र जीवन में वह आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर उन्हें पढ़ना है न्यूज़पेपर तो वो स्टैंड अलोन उपकरण है उसके नीचे अगर वो अपना अखबार रख दे तो वो आसानी से वो पढ़ सकते हैं। अपने दृश्य विकारों के कारण बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक कौशल्य को उन्हें पढ़ाना भी ज़रूरी है, और उसी तरह से उन्हें प्रारूप अपने कक्षा कक्ष में उन्हें सम्मिलित करना ज़रूरी है। जो सामग्री हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम में या उनकी जो परीक्षाएं हैं उसको भी विद्यार्थियों के विशेष विद्यार्थियों के आवश्यकताओं के उस आवश्यकताओं के आधार पर उसे बदलना है। जैसे पाठ्य पुस्तक की निर्मिति अगर करनी है तो ब्रेल अक्षरों का या ब्रेल लिपि के सहायता से हम कर सकते हैं। अंधे या दृष्टिहीन लोगों की अनूठी शैक्षिक आवश्यकता और जो उनकी विशेषताएं होती है सीखने की, उसे भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। छात्र को स्थानिक कार्यक्रमों से परिचित कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छात्र को स्थानिक राज्य राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। उससे मिलने वाले लाभ अगर छात्र जान ले तो उसका जो जीवन होता है या उसकी जो रोज़ की जो दिनचर्या होती है वो और भी सरल हो जाती है। और जो छात्र हैं, छात्र के विशिष्ट दृष्टि या स्थिति अवस्था को समझने के लिए दृश्य विकारों के शैक्षिक प्रभाव और कार्यात्मक दृष्टि और सीखने के लिए मीडिया आकलन के परिणाम को जानने के लिए भी शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिकाएं करनी हैं। इसी तरह जो अगर शिक्षक इस सारी चीज़ों से अगर परिचित हो तो विशिष्ट दृष्टिहीन जो दृष्टिहीन छात्र जो है जो विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं उन्हें हैंडल करना क्लास में कक्षा में उनके साथ अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित कराना काफ़ी सरल हो जाएगा। इस तरह से हमने दृष्टिहीन छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में लाने के लिए कौन कौन से सहायक उपकरण हैं उसके बारे में देखा, और शिक्षक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसमें, इसके बारे में हमने जानकारी ली। धन्यवाद।